हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 23 मई शनिवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, निष्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए आज क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे। आज के दिन आपके ग्रह गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से प्रभाव डालने वाले हैं, आपको बताएंगे। आज के दिन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और आज के दिन कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताएंगे आज के दिन आपको विशेष रूप से कौन से क्षेत्रों में कार्य करके समाज में अपनी एक अलग छवि, अलग पहचान बनाने में आपको कामयाबी मिलेंगे और समाज वाले, घर वाले और आपके परिवार वाले आपके किस प्रकार से इज्जत कर सकते हैं, आपके मान मर्यादा में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। आज के दिन आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर सकोगे और आपके कामकाज भी समय पर पूरे होंगे। आज के दिन आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिनकी वजह से आप जिस किसी कार्य को करने का प्रयास करेंगे उनमें आपको समय रहते सफलता मिलेंगे, आपका व्यापार व्यवसाय गति कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले जातक हैं वो आज के दिन व्यापारियों को, नौकरी पेशा वालों को लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। समाज में आप अपनी एक अलग छवि, अलग पहचान भी स्थापित कर सकते हैं। समाज वाले आपके इज्जत के साथ साथ आपके मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने में आपके सहायता कर सकते हैं। यदि आप राजनीतिक या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आज के दिन आपका काफी शुभ रहेगा। आयात निर्यात, विदेश कार्य, व्यापार तथा विदेश यात्राओं के लिए आपका समय बेहतर रहने वाला है। आज के दिन आप भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करेंगे और विशेष रूप से आपको जुआ, सुट्टा आदि से दूर रहने की जरूरत रहेंगे। जीवन साथी से मतभेद उत्पन्न होने के लगातार संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ किसी भी ऐसी बातों को न करें जो कि आपके जवाबदेही या किसी भी प्रकार के आपके जीवन में कोई असंतोष की भावनाओं को प्रेरित कर दे, आपके वैवाहिक जीवन में खटास की उत्पन्न कर सकें। ऐसे में आज के दिन थोड़ा सा धैर्य रखें। आज के दिन आप स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें और आप अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करें। आज के दिन घर के साथ सामान पर व्यय हो सकता है। आपको अपने भाई बहनों का पूर्ण समर्थन मिलने के कारण आपके संबंध काफी बेहतर हो सकते हैं। जो विद्यार्थी आज के दिन किसी प्रतियोगिता, परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने वाले हैं उन लोगों को सफलता हासिल होंगे। जिन जातकों का अदालत में कोई मामला लंबित पड़ा है वो भी सकारात्मक विकास देख सकेंगे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन वित्तीय मामलों में वांछित परिणाम मिलना संभव है और आपको आय का एकत्रित स्रोत भी प्राप्त हो सकता है। उद्यमियों के लिए नए क्षेत्र खुल सकते हैं जो उन्हें स्थापित करने में मदद कर सकता है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपने कौशल प्रदर्शन का बेहतरीन, अपने वैचारिक मतभेदों को दूर करने के बेहतरीन अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बच्चे अच्छी प्रगति करेंगे और आप एक सुखद और काफी इंजॉयपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकोगे और इस दिन का आनंद भी आज बखूबी लेने वाले हैं। आज के दिन आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है जिनकी वजह से आप स्वयं को अपने आप पर काफी हावी ना होने दें। आज आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम आपके सफल रहेंगे। आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित हो सकता है जिनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थितियां सुधर सकती हैं। और वहीं जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उन लोगों को आज के दिन सहकर्मियों का सहयोग, नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके सैलरी में बढ़ोतरी या फिर आपके पद प्रमोशन में काफी उन्नति देखने को मिल सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी अच्छे रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि जो लोग अविवाहित हैं वे अगर विवाह के योग्य हो चुके हैं तो आज के दिन उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका वैचारिक मतभेद दूर होंगे, परिवार में चल रहे पारिवारिक क्लेश दूर होंगे और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप उन समस्याओं को कमेंट में लिखें, आपको हमारे द्वारा उन समस्याओं का समाधान अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन भूमि क्रय विक्रय के कमीशन के माध्यम से आर्थिक लाभ हो सकते हैं।
यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय का सदुपयोग करके अच्छी विस्तार योजनाओं को बनाकर करें ताकि आपको भविष्य में लाभ की प्राप्ति हो सके। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो लोग बेरोजगार हैं और काफी लंबे समय से रोजगार पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज के दिन वे अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय सेटअप करोगे, खुद का व्यवसाय प्रारंभ करोगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेंगे। व्यापारियों को लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। आज के दिन यदि आपका व्यवसाय रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है या फिर आप अगर रचनात्मक क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने प्रतिभा दिखाने और खुद का नाम बनाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका सामंजस्यपूर्ण रहेगा। परिवार में आपके शादी या जन्म के संतान के जन्म संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन किसी भी ऐसे कार्य को ना करें जिनसे कि आपके परिवार में आपकी छवि खराब हो और समाज वाले आपके अवहेलना कर सकें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन कुछ लोगों की स्थितियां खराब हो सकती हैं, आपको आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ सकता है, पैसों से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। आज के दिन कुछ लोगों को स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है जिसके फलस्वरूप कामों को सही ढंग से करने में आप स्वयं को थका थका महसूस कर सकते हैं और आपके काम भी सही समय पर पूरे ना होने की वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। खान पान पर आपको संयम रखकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में गुण करनी चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज के दिन आप किसी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं जिनमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन काम काजों में सफलता मिलेंगे, आर्थिक लाभ के अवसर मजबूत होंगे, आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि होंगे, किंतु घरेलू मामलों में आपको सावधानी से काम लेने होंगे। घरेलू में किसी प्रकार के पारिवारिक क्लेश और किसी प्रकार के अवहेलनाग्रस्त कार्य को न करें, अन्यथा आपको भविष्य में इससे जुड़ी काफी बड़े हानिकारक और काफी बड़े आपको चुनकाना पड़ सकता है। आज के दिन आप में से कुछ लोग अपने भागीदारों और किसी करीबी सहयोगी से समस्याएं कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधित यात्राएं वांछित परिणाम आपको दे सकते हैं। नए कार्यस्थल से जुड़ने या नई परियोजनाओं और उपक्रमों को शुरू करने के लिए आपका दिन ज्यादा अनुकूल रहेंगे। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के झगड़े लड़ाई से आपको दूर रहने की जरूरत रहेंगे। आज के दिन प्रेम पूर्वक आप अपने संपर्क को स्थापित करने की कोशिश करें। आप में से कुछ लोग आज के दिन अपमान या फिर बदनामी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में पारिवारिक में आज कुछ अनबन या फिर खटास उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को तो बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। यह समय सकारात्मक परिणामों का दिन है। यदि उच्च दिन या नौकरी के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं तो आज के दिन विद्यार्थियों को सफलता जरूर मिलेंगे। अगर आप कोर्ट कचहरी में कोई संपत्ति मामला है तो आज के दिन वे आपके पक्ष में तय किया जा सकता है। आपको प्रतिद्वंद्व शत्रु या कंपटीटर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं परंतु वे असफल रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों को और व्यवसायियों को लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रसिद्धि भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन आपका सामंजस्यपूर्ण रहेगा। अविवाहितों के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जो लोग काफी लंबे समय से लव रिलेशनशिप में हैं, वे आज के दिन शादी के बंधन में बंधने का प्रयास कर सकते हैं, उनके ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। आज के दिन जो लोग काफी लंबे समय से आप कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे थे उनसे आपको छुटकारा मिल सकती है। आज के दिन आप अपने साहस और संगठित कार्य के बल पर आप आसानी से उन चीजों को प्राप्त कर सकोगे जो कि आपके राह में बाधाएं आ रही थी। नौकरी पेशा जातकों को अधीनस्थों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। उनसे भविष्य में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। प्रॉपर्टी कमीशन आदि में लेन देन करने वालों को वांछित परिणाम मिलेंगे। नगद की आमदनी आपकी अच्छी खासी बनी रहेंगे। आज के दिन एकल को अच्छा विवाह प्रस्ताव मिल सकता है और किसी परिवार के स्वास्थ्य का बिगाड़ता स्वास्थ्य जो है वे आपकी चिंता का कारण हो सकता है। आज के दिन छात्र अपने प्रयासों में सुस्त हो सकते हैं, वे नई योजनाओं पर अमल करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो सकते हैं। व्यवसाय और नौकरी पेशा जातक आज के दिन अधिक सफल रूप से सामने आ सकेंगे। आपको अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नए संपर्क और दोस्त भी बनाने हो सकते हैं। नए व्यवसाय के अवसर आपके लिए तैयार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी आपका जस का तस बना रहेगा और आपके परिवार वाले आपका सहयोग करने के लिए काफी उन्मुख रहेंगे। आज के दिन मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको बहुत ही सावधान रहने होंगे, सतर्क रहने होंगे जो कि आपके सेहत बिगड़ सकती हैं और आप खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी पा सकते हैं। ऐसे में आज के दिन आप अपने करीबी सहयोगियों के साथ विवादित कानून दायरे तक पहुंच सकते हैं। आज के दिन आप अपने आशावादी स्वभाव के साथ आपको अपने स्थितियों को निपटने के लिए विशेष प्रकार के उपायों को ढूंढना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन किसी भी कार्य को करते समय आप अपने परिवार के लोगों के सहयोग ले लें। परिवार के लोग आपकी मदद करने के लिए हर संभव मदद कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपकी हर संभव मदद भी करेंगे। आज के दिन आपको बताना चाहेंगे
चाहेंगे कि अगर आप किसी प्रकार की कोई समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज के दिन उन समस्याओं का समाधान आपको अवश्य मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय में आ रही रुकावटें दूर होंगे और कार्य क्षेत्र में आप अपने अच्छे स्वभाव के कारण विशिष्ट प्रकार के लोगों से अपने लोगों को संबंध स्थापित कर सकोगे। मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन पानी खूब पिए और आप अपने खान पान पर संयम रखें। आज के दिन चटपटे मसालेदार या स्पाइसी खाने से आपको परहेज रहने होंगे क्योंकि इन चीजों की वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं और आपको कई प्रकार की दुविधापूर्ण स्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखने होंगे, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपका दिन बेहतर बने। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आप पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, आप पर सुखमय रहें। आपका दिन शुभ हो, जय माता।